इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारी यूट्यूब चैनल जीजी गेमर को फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स कॉल बैक वाला ऑप्शन में जाना है। फ्रेंड्स जाकर देखिए मेरा एक कंप्लीट हो चुका है। जब पहले कॉल बैक वाला सेटिंग ओपन करना है, इसके बाद आपको कॉल बैक देखते हैं। पूरा वीडियो देखिए, मैं पूरा बताने जा रहा हूँ आपको। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखिए मेरा वादी भैया हुआ था उस समय, ठीक है। आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पे आने के बाद आपको कॉल बैक वाला ऑप्शन क्लिक करना है। इसके बाद इनवाइट इनवाइट पर क्लिक करना। फ्रेंड्स पूरा वीडियो देख रहे हैं, मैं पूरा बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखिए, जी हाँ फ्रेंड्स लास्ट वाला वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ आया। पहले फ्रेंड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, कॉल बैक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स फिर इनवाइट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इनवाइट पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स आपके इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना, जी हाँ फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप में किसी एक फ्रेंड को शेयर करना, जी हाँ जैसे कि मैंने शेयर किया। फ्रेंड्स देख रहे हैं यहाँ पे आईडी दिया हुआ, आपको इसी आईडी को लिखना है। जहाँ फ्रेंड्स जो आईडी दिखा हुआ था वहाँ पर उसी आईडी को आपको लिखना है। फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे कट कर लेना है, मेन आईडी मारे पास मेन आईडी का पूरा फ्रेंड्स डाटा को क्लियर लॉग आउट कर लेना, डाटा को क्लियर कैच कर लेंगे। जहाँ फ्रेंड्स देखते हैं पूरा वीडियो बस देखिए, हम पूरा बताने जा रहे हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले हमने लॉग आउट किया, लॉग आउट करने के बाद फ्रेंड्स अपने गेस्ट आईडी को दूसरे आईडी को ओपन करना है। फ्रेंड्स यहाँ पर जाना है, बैंक जाने के बाद आपको डाटा क्लियर कैच कर लेना है। जहाँ फ्रेंड्स पहले डाटा क्लियर करेंगे हम, सबसे पहले हम व्हाट्सएप में जाएंगे। व्हाट्सएप में जाने के बाद यहाँ से ओपन करना है। जहाँ फ्रेंड्स देखते रहिए, यहाँ से हमने व्हाट्सएप पर ओपन करना है अपने वादी पर से। जॉइन फ्रेंड जॉइन पर क्लिक करना है। फ्रेंड जॉइन पर क्लिक करने के बाद आपको फ्री फायर है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स एक बात को याद रखिए, फ्रेंड्स एक बार मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा। फ्रेंड्स आप लोगों को बस देखते रहना वीडियो, सबसे मेन बात फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखिए। फ्रेंड्स एक बात मैं बताने जा रहा बताऊंगा। फ्रेंड्स ये पहले लोडिंग ले रहे थे, फ्रेंड्स लोड होने के बाद देखते हैं वीडियो। फिर सबसे पहले आपको अपना गेस्ट आईडी ओपन करना है। गेस्ट आईडी ओपन करने के बाद गेस्ट आईडी ओपन करना है। फ्रेंड्स वही गेस्ट आईडी ओपन कीजिए जो आपने सुने से एक महीना से ना आपको उस गेस्ट आईडी को ओपन नहीं किया, मतलब एक सप्ताह से आपने है ना उस गेस्ट आईडी को ओपन नहीं किया। जब आपने एक सप्ताह से जो ऑफ है गेस्ट आईडी, उसी गेस्ट आईडी को आपने ओपन करना है। फ्रेंड्स ओपन हो जाने के बाद फ्रेंड देखते रहिए आप, आपको फ्रेंड वाले आइकन में जाना है। फ्रेंड्स फ्रेंड वाले जो आदमी लिखा होता है उसमें जाना है। फ्रेंड्स पहले इन सभी को हम कट कर लेते हैं। इसके बाद आपको जिसमें आदमी लिखा होता है उसमें जाना है, जिसको सबको पहले हम कट करते हैं। आदमी चैनल छाप में जाना, फ्रेंड्स वाले ऑप्शन में जाना, कॉल बैक ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे जाने का आपका अपना आईडी जो उसने व्हाट्सएप शेयर किया था, फ्रेंड्स व्हाट्सएप शेयर किए हुए आईडी को देख लेना। फ्रेंड्स वहाँ पे आपका लिखा हुआ आईडी शेयर रजिस्टर आईडी लिखा हुआ, फ्रेंड्स उसी आईडी को यहाँ पे डाल लेना है। मेरा रजिस्टर आईडी आप देख लीजिए, मेरा रजिस्टर आईडी मैं डाल लीजिए, मतलब फ्रेंड्स आपको नहीं कम्प्लीट होगा, आपको अपना रजिस्टर आईडी डालिएगा। फ्रेंड्स चलिए हम अपना, फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर आईडी डालना है। फ्रेंड्स सबसे पहले आप अपना रजिस्टर आईडी डाल दीजिएगा। फ्रेंड्स पूरा वीडियो देख रहे हैं, पूरा वीडियो देखिए। फ्रेंड्स यहाँ पे अपना रजिस्टर आईडी देख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के आदि में मोबाइल से देख रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मेरा रजिस्टर 48 44 0 57 39, यही है मेरा रजिस्टर आईडी। फ्रेंड्स यहाँ पे जाए कंफर्म करते हैं, कंफर्म करने के बाद यहाँ ऐड पर क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद यहाँ देख लीजिए एक महीना कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर यहाँ क्लेम कर लेंगे, क्लेम करने के बाद फिर पहले ही सबको कट कर देंगे। जी हाँ फ्रेंड्स कट कर लेते हैं सबको, इस में से पहले बैक चले जाते हैं। फ्रेंड्स आपको देखिए मेन आईडी जाना है, आपको मेन आईडी जाना देखिए आपका कंप्लीट हो चुका होगा, ये कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स लॉग आउट कर लेंगे, लॉग आउट करने के बाद अपना मेन आईडी ओपन करेंगे। जी हाँ सबसे पहले आपको बैक जाना है। फ्रेंड्स बैक जाने के बाद फ्रेंड्स आपको डाटा क्लियर कर देखिए सॉरी डाटा क्लियर मतलब बैकग्राउंड में हटा देना इसको फ्री फायर को। फ्रेंड्स बैकग्राउंड में फ्री फायर हटाने के बाद फ्रेंड्स आपको देखते हैं आपका मेन आईडी ओपन करना है। जी हाँ फ्रेंड्स आपको मेन आईडी ओपन करना है, मैं अपना मेन आईडी ओपन कर लेता हूँ। फ्रेंड्स इसके बाद देखिए यहाँ पे जाना पूरा कट कर लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स सबको कट कर लेते हैं। इसके बाद सबसे पहले आपको कॉल बैक वाला ऑप्शन पर जाना है। फ्रेंड्स देख रहे हैं अपना कॉल बैक वाला ऑप्शन पर जाना है। कॉल बैक वाला ऑप्शन में देख रहे हैं मेरा दो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ एक को मैंने पहले ही कंप्लीट किया था, एक आप लोगों को दिखाया फ्रेंड्स वीडियो वाला है। इसके बाद आप देख रहे हैं मैं एक और शेयर करूँगा, एक और कंप्लीट करूँगा, देखते हैं पूरा वीडियो देखिए बस। पहले सब फ्रेंड्स इनवाइट फ्रेंड पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर जाने के बाद आपको शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स अपने वादी में। शेयर करने के बाद फ्रेंड्स पूरा बैकग्राउंड से क्लियर कर दीजिए। क्लियर करने के बाद फ्रेंड्स आपको फिर से फ्री फायर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स जिस भी आईडी को आप नहीं शेयर किए होंगे उसमें जाना है। फ्रेंड्स जो जिस आईडी को आपने एक सप्ताह से नहीं ओपन किया होगा अपने दूसरे आईडी को ओपन कर लेना है। फ्रेंड्स उसमें जाने को आपको देखते हैं वीडियो, यहाँ हम जाएंगे अपना फिर से वही काम करेंगे, वही काम दोहराएंगे दोहराएंगे। फ्रेंड्स देखते हैं वीडियो। फ्रेंड्स यहाँ पर भी जाना और आपको कॉल बैक वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना। फ्रेंड्स कॉल बैक वाला ऑप्शन क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपका वही
जो व्हाट्सएप में जो आपका रजिस्टर आईडी है उसमें उसी रजिस्टर आईडी को क्लिक करना है फ्रेंड्स। आपको रजिस्टर आईडी को क्लिक करना है। सबसे पहले मेरा आईडी है फ्रेंड्स जान लो पहले 48 क्या चीज मेरा वो याद नहीं फ्रेंड्स। देखिए मैं क्लिक कर रहा फ्रेंड्स, मैं टीवी में इसके बाद देखते रहिए, पूरा पूरा वीडियो बस देखते रहिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मेरा आई डी है 48 44 0 5 57 3 39 सॉरी फ्रेंड्स। इसी को ट्यू टैप करना फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए मैं हो चुका है फ्रेंड्स आपका। आपका जब शेयर कीजिएगा तो आपको मिलेगा फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा आपका। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपका मिलेगा। देखिए मेरा कॉल वगैरह कम्प्लीट हो चुका है, मैं क्लेम करूँगा फिर से। इसके बाद यहाँ पर मैं लॉग आउट करूँगा, इसको लॉग आउट करने के बाद मैं अपना मेन आईडी में जाऊँगा फ्रेंड्स। मेन आईडी में जाने के बाद देखिए मेरा पूरा कम्प्लीट हो चुका होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरा पूरा कम्प्लीट हो चुका है। देखिए दूसरा का मैं कम्प्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। आपका जितना ज़्यादा आईडी रहेगा फ्रेंड्स उतना ज़्यादा होगा फ्रेंड्स। मैंने बोला था ना मैं एक और बताऊँगा लास्ट में फ्रेंड्स। ये एक बात है कि आपको उसी आईडी में शेयर करना है जो आईडी आपने एक एक हफ्ते से नहीं ओपन किया है फ्रेंड्स, उसी आईडी में होगा। और एक हफ्ते से अगर उस आईडी को ओपन किया और उसमें नहीं होगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आता है लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे इस यूट्यूब चैनल जी जी गुमल को।